अगर आप लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से यूजी या पीजी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों पार्ट वन के छात्र हो या दोस्तों पार्ट टू के छात्र हो या पीजी के स्टूडेंट हो, प्रथम सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बिग अपडेट है। इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट से संबंधित काफ़ी अच्छी खबर है। मिथिला विश्वविद्यालय में 3 लाख परीक्षार्थियों के रिजल्ट को लेकर आज विशेष मंथन किया गया है। क्यों किया गया है? आगामी परीक्षा को कंटिन्यू यानी लंबित परीक्षाएं जो भी है उनको रेगुलर करने के लिए आज यूनिवर्सिटी में मीटिंग बैठाया गया है। आइए उसमें क्या क्या निर्णय होने वाला है, और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक यूनिवर्सिटी को विज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि छात्रों के लिए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर एवं स्नातक प्रथम खंड एवं स्नातक द्वितीय खंड के सभी परीक्षार्थी जो भी लंबित परीक्षाएं हो चुकी है उनका परीक्षा फल 3 दिनों के अंदर जारी करने के लिए यूनिवर्सिटी को ये ज्ञापन दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे यूनिवर्सिटी को सौंपा है, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जिनका सेशन 2018-21 है वो छात्रों का जल्द से जल्द उनका मूल प्रमाण पत्र एवं TR कॉपी महाविद्यालय में सिर उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही और भी काफ़ी मांग की गई है, वो आप लोग के लिए अपडेट नहीं है। वो नोटिस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं पुराना डाटा कंपनी के साथ और साथ ही यूनिवर्सिटी के साथ, काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था जिनका सेशन 2020-23 था पार्ट वन रिजल्ट को लेकर। वो रिजल्ट को लेकर 13 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसके अनुसार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन ने डाटा सेंटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया। उसको लेकर आज एक विशेष मंथन बैठाई गई है, यानी 6 मई को आज के ही डेट में, और इसका निर्णय जल्द ही दिया जाएगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उन्होंने बताया कि पुरानी कंपनी के पास जितने भी 3 सत्र के छात्रों का उनका परिणाम डाटा उनके पास है, जब तक वो यूनिवर्सिटी को नहीं सौंपा जाता तब तक रिजल्ट जारी करने में देरी होगी। वैसे उन्होंने बताया कि जबकि कंपनी ने बकाया जो 3 करोड़ भुगतान थे उनका फाइल आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है, उनका भी पेमेंट जल्द ही हो जाएगा। इसके बावजूद भी परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने ये कहा कि स्नातक द्वितीय खंड सत्र 2019-22 के परीक्षार्थियों की कॉपी की जाँच चल रही है, संभवतः मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-23 का परीक्षा परिणाम पुराना डाटा कंपनी के द्वारा परीक्षार्थियों का डाटा समय उपलब्ध न कराने के बदौलत उनका रिजल्ट में विलंब हो रहा है, लेकिन आगामी 15 दिनों के अंदर उनका भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। वही बात करें यहाँ पे स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-22 और स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2019-21 के लगभग 1 लाख परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पुराने डाटा कंपनी के पास उपलब्ध है। पुराना डाटा कंपनी की रवैया के कारण अभी तक प्रथम सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों का डाटा को नहीं सौंपा गया, जिसके कारण वो छात्रों का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। बता दें कि आज इस पे पूरा मंथन किया जा रहा है, और इसके साथ ही काफ़ी विवाद के बाद स्नातक तृतीय खंड वाले छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। वैसे दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, रिसेंट अपडेट आएगी, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप सभी छात्र अभी जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं तो हमेशा अपडेट पाने के लिए गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा खबरी सब, पार्ट वन रिजल्ट से संबंधित हो या पार्ट टू रिजल्ट से संबंधित या पीजी के रिजल्ट से संबंधित, सभी आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये आप लोग नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। धन्यवाद।